और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ब्रिटेन से मिल रही है, जहां पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि लगातार लिज ट्रस का विरोध हो रहा था, कुछ सांसदों ने सुबह से ही उनका विरोध करना शुरू कर दिया था और आखिरकार लिज ट्रस को इस्तीफा देना पड़ा। बता दें कि लगातार उनके कैबिनेट के मंत्रियों का इस्तीफा जारी रहा था। कल ही गृह मंत्री वेबर मैन ने इस्तीफा दिया था और उसके पहले वित्त मंत्री ने इस्तीफा दिया था और लगातार इस्तीफे देने की जो झड़ी थी लगातार चल रही थी और आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने इस्तीफा दे दिया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ब्रिटेन से मिल रही है, जहां पर ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर एमकेएन न्यूज आपको बता रहा है। और बता दें कि कल ही गृहमंत्री वेबर मैन ने अपने पद से इस्तीफा दिया था और उसके पहले गृह मंत्री के पहले वित्त मंत्री ने इस्तीफा दिया था और लगातार कैबिनेट के मंत्रियों का इस्तीफा जारी रहा और आज प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने इस्तीफा दे दिया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको ब्रिटेन से बता रहे हैं, जहां पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। चौतरफा लिज ट्रस का विरोध हो रहा था, कल ही गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया था, उसके पहले वित्त मंत्री ने इस्तीफा दिया था और आज उनके एक विधायक ने सांसद ने विरोध किया था और प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग की थी और आखिरकार ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। बता दें कि महज 45 दिन का ही कार्यकाल रहा है उनका और 45 दिन के कार्यकाल में वो चौतरफा गिरी रही। ब्रिटेन में सियासी संकट अब गहरा और बढ़ सकता है और ऋषि सुनक के अब प्रधानमंत्री बनने की आशंका और भी बढ़ चुकी है। हालांकि अब देखना होगा कि ऋषि सुनक प्रधानमंत्री पद की रेस में कहां तक पहुंचेंगे। पहले भी ऋषि सुनक का नाम प्रधानमंत्री पद की दौड़ में था लेकिन लिज ट्रस प्रधानमंत्री बनी।